हेलो गाइस, वेलकम टू द सोलो कुक। आज हम बनाने वाले हैं बेसिक चॉकलेट स्पॉन्ज विदाउट कंडेंस्ड मिल्क एंड विदाउट ओवन। बहुत ही सॉफ्ट एंड यमी। आइए देखते हैं कैसे बनाया हमने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क कंपाउंड। इसे हम मेल्ट कर लेंगे एंड ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसे माइक्रोवेव पे मेल्ट किया है। आप डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं। तब तक हम हमारा होममेड ओवन सेटअप कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई चलाई है, उसके अंदर स्टैंड रखा है एंड ऊपर एक तपीले से उसे ढक के रख दिया है और फ्लेम मीडियम लो टू मीडियम रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने मोल्ड लिया है 6 इंच का। इस पे मैंने तेल ग्रीस किया है एंड देन मैदा डाल के चारों तरफ लगा लिया और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे डस्ट कर लिया है। अब हमारा मिल्क कंपाउंड ठंडा हो गया है। इसमें मैंने फिर डाला है 1/4 कप कर्ड एंड 3 टेबलस्पून ऑयल। सारे मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसे हम मिक्स देंगे एंड देन इसमें हम डालेंगे एसेंस। यहाँ पर मैंने चॉकलेट एसेंस यूज़ किया है, आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। मिक्स देने के बाद इसमें हम डालेंगे मैदा। यहाँ पर मैदा मैंने लिया है 3/4 कप। मैदा को सीव कर लेंगे। अब मैं दूसरा बाउल ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगा इसमें सीव नहीं होगा, इसलिए मैंने दूसरा बाउल लिया। आप चाहो तो एक ही बाउल में कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डाला है शुगर 1/2 कप, पाउडर शुगर 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। यहाँ पर मैंने कैडबरी का कोकोआ पाउडर यूज़ किया है। आप डच प्रोसेस्ड कोकोआ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, आपका कलर बस डार्क आएगा। इसे हम सीव कर लेंगे एंड जो हमारा जो दूसरा बाउल है उसमें हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा साइड में चला गया है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या किया मैंने। सारा ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हमने उसमें डाल दिया एंड देन मैंने डाला है 1/4 कप दूध, रूम टेम्परेचर का दूध। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारे किचन का टेम्परेचर है उस हिसाब से। आप निकाल के रख दो, अगर गर्म है तो उसको ठंडा कर लो, फ्रिज में रख के नहीं, ऐसे ही छोड़ के। देन कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 टीस्पून विनेगर। विनेगर नहीं है तो आप उसके बदले 1.5 टीस्पून लेमन जूस डाल सकते हो। एंड देन मोल्ड में हमारे बैटर को पोर इन कर दीजिए। पूरा पोर करने के बाद अब इसे हम टैप करेंगे। टैप हमें अच्छे से करना ताकि जो एयर बबल्स है वो रिलीज हो जाए। नेक्स्ट हमारा प्री हीट हो गया है कढ़ाई। मैंने शुगर कुछ नहीं डाला, सिर्फ स्टैंड रखा है एंड उसके अंदर ऐसे रख के ढक देंगे। एंड लगभग मुझे लगा है यहाँ पर 45 to 55 मिनट्स, पर हाफ एन आवर बाद आप चेक कर लीजिएगा। एंड इसे मैंने कुक किया है मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम में। ज़्यादा मीडियम में मत रखेगा, लो पे रखेगा। 10 मिनट्स मीडियम देन लो पे। 30 मिनट्स बाद आप चेक कर सकते हो, मेरा 55 मिनट्स अराउंड लगा है। देन इसे हम निकाल के एक गीले कपड़े से, एकदम गीला कपड़ा नहीं, डैम क्लोथ से ढक के रख देंगे। जब ठंडा हो जाए तब इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने कट करके दिखाया कितना सुंदर बना है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द सोलो कुक ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप हमारी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो हमें मैसेज पे ज़रूर सेंड कीजिए। टेक केयर, एंजॉय, बाय।